मेरे बच्चे का नाम राजेश है और मेरा नाम रमेश है। मैं उज्जैन महाकाल सिंधी कॉलोनी और मध्य प्रदेश एमपी का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चों को मैं यहाँ पे हरिद्वार में पतंजलि में दवाई दिलाने गया था उसकी माँ के साथ। उसने कहा मुझे पेशाब आ जाते। मेरे बच्चे मेरी पत्नी ने उसका हाथ छोड़ दिया कि जब पेशाब का झटके में चला गया। जब से 2022 में 8 जून को वो गुम हो गया, जब से हम नहीं तलाश कर रहे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं। ले देखिए कि बच्चा कभी मेहरबानी करके आप हमारा कोई भी बच्ची की मदद करवा दें तो बहुत आभारी रहूँगा। मेरा इसके सवाल कुछ भी नहीं, कोई व्यवसाय नहीं है। और मैं लोग से जैसे कैसे कुछ भी मांगती हूँ कि यहाँ पर आता हूँ उज्जैन से और मेरे बच्चे को ढूंढता हूँ, मेरी पत्नी को ढूंढती है। और आज साल भर होने आए, 8 जून को मेरा बच्चा गुम हो गया। मेरी कोई मदद कर दो आप इस बारे में कि मेरा लड़का जैसे कैसे मैं उसको एक बार मुँह देखूँ। और परमात्मा से यही कहना हूँ कि मेरे को एक बार उसका मुँह बता देना और मार डालना। मैं बहुत परेशान हूँ, इसके सवाल कोई हमारा ही नहीं। किराए के मकान में रहता हूँ उज्जैन में, महाकाल सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 मकान नंबर 39। मेरा नाम रमेश चंद है, मेरे बच्चे का नाम राजेश है। मुझे कोई भी थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, मेरा कोई सहारा नहीं इसके अलावा। आपके पास फोटो है चाचा, जरा दिखाइए। पूरे 1 साल हो गए हैं गाइस इनके बच्चे को गुम हुए। अगले साल आए थे 8 जून को और ये इनके बच्चे का फ़ोटो है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखें, अगर आपको कहीं पर भी दिखता है, ठीक है, अगर ये दिखते हैं तो आप मैं चचा का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी आप लोग चचा की मदद करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और ये भैया जहाँ पर भी हैं, ठीक है, इनके बेटे इनको मिल जाए सही सलामत, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी मदद हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस चचा जो है वो बहुत रो रहे थे, ठीक है। अभी हम उनको समझाएं कि कोई बात नहीं, चचा मिल जाएंगे, आपके बेटे आ जाएंगे। सोशल मीडिया में बहुत ताज़त है, बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपके बेटे जो गुम हुए हैं मिल जाएंगे। बाकी चचा बहुत रो रहे थे। और एक बुज़ुर्ग माता पिता, एक बूढ़े माता पिता का जो दुख है, अगर उनका बेटा जो कि उनके बुढ़ापे का सहारा है, अगर वो छीन जाए, अगर वो गुम हो जाए, तो उन पर जो बीतती है, उनका जो दुख है, उस दुख को शब्दों के माध्यम से बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने चचा को समझाया कि कोई बात नहीं चचा, आपके बेटे मिल जाएंगे, मैं अपने YouTube चैनल पर डालूंगा, वहाँ से बहुत से लोग शेयर करेंगे तो आपकी बेटी मिल जाएंगी। तो आप सबसे मेरी फिर से पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने Facebook पर, WhatsApp पर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा लौटा सकता है, बस एक शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।